जो है रेटिंग दो टीम के पीछे और इसका कोई खास मकसद इस मैच का हिस्ट्री में एक अच्छा मैसेज दें और वो मैसेज एंटी हीरोज ने पहले ही दे दिया है कि एक इंडस्ट्री के हम लोग भले ही अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं लेकिन इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं से एकता होनी चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री एक परिवार है और इस परिवार का हिस्सा हम सब हैं। एक समाज में जब सामाजिक तत्व अच्छे होते हैं तो समाज बड़ा सुदृढ़ होता है। तो एंटी हीरोज पहले ही हम लोग बहुत अच्छे अच्छे ऐसे सोशल इश्यूज़ पर भी काम किए हैं, इंडस्ट्री में भी हम लोगों ने एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की। 54 पर्सन्स एक साथ अगर एक मंच पे इकट्ठा होते हैं वो एंटी हीरोज ही हैं। और ये मैच खेलने का मकसद ये है कि वी ऑल आर एक्टर्स नॉट क्रिकेटर ओनली। लेकिन इसमें चंद ऐसे लोग हैं जो बड़े जुनूनी क्रिकेटर्स हैं, वो बड़ा अच्छा एक्टर होने के साथ साथ बड़ा अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं, तो उन लोग का भी इस्तेमाल हम लोग जैसे अवार्ड फंक्शन के मंच पे हम लोगों ने एक एक्टिंग के जरिए एक्ट किया। तो मैदान में जो घास के मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते हैं, और क्रिकेट भी खेले तो किससे हीरो वर्सेस विलेन। ये एक ऐसा उत्साह है जैसे पर्दे पे जो दर्शक देख करके उत्साहित होते हैं कि हीरो है, हीरो तो मारेगा ही लास्ट में विलेन को, विलेन पूरी फिल्म में सता दे लेकिन लास्ट में मार खाएगा ही। तो इस मैदान में ये भी देखना है कि रियल लाइफ के हीरोज़ कौन हैं। तो सबका ध्यान आप पे केंद्रित होगा क्योंकि एंटी हीरो में हैं तो काफ़ी सारे एंटी हीरो लेकिन आप सबसे फेमस हैं उनमें से, तो क्या कहना चाहेंगे क्या? नहीं नहीं, ध्यान केंद्रित नहीं, फेमस हम सब हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि एक इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि आज तक ऐतिहासिक कदम है कि एक फैमिली बनना बड़ा मुश्किल हुआ जो हम लोग हैं। 3 साल हो गए एंटी हीरोज ग्रुप बने हुए और हम लोगों ने कई तरह के इवेंट्स किए हैं, हम लोग गेट टुगेदर्स करते हैं, इंडस्ट्री के लोगों को सम्मानित करते हैं। तो मैं बस इसमें ही खुश हूँ कि आज हमारे एंटी हीरोज मैदान में उतरे हैं और उन्होंने बड़ा बढ़िया शुरुआत किया है। 164 का उन लोगों ने टारगेट दिया है तो उस टारगेट पे हीरो पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए, जीत हार तो एक अलग विषय है, जीतना हारना जिसके किस्मत में होगा या आज जिसकी लकीर बड़ी मजबूत होगी वो जीतेंगे हारेंगे। लेकिन है हम जीते या हारे, हम पहले भी जीते थे आज भी जीतेंगे और हमेशा जीतते रहेंगे क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिविटी बहुत है। तमाम जो विलन्स हैं, विलन्स नॉट ओनली विलन्स, एंटी हीरोज़ एंड रियल हीरोज़, इसको हम रियल हीरोज़ बोल सकते हैं, इतने पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव नोट पे काम करते हैं, एक बात पे सब लोग एकत्रित होते हैं, किसी भी विषय पे हम लोग सब सहमत हो जाते हैं। हम लोगों में भले ही मतभेद हो जाए लेकिन मनभेद नहीं है। तो बस मुझे प्राउड है अपने इस इंडस्ट्री में आने पर कि इस उम्र में, मतलब 15 साल इंडस्ट्री को देने के बाद, अब एक ऐसा परिवार मिला है, संगठित परिवार, जो किसी का नुकसान करने के लिए हम लोग नहीं है, कुछ भी करेंगे इंडस्ट्री का ही बेनिफिट होगा, इंडस्ट्री का ही फायदा होगा और वो हो भी रहा है। चाहे हम लोग बाढ़ पीड़ित की मदद के लिए जाएं या कहीं हॉस्पिटलिटी करनी हो कोई बेहतर तरीके से वो जाएं, या इंडस्ट्री के लिए कुछ बेहतर कदम उठाना हो, कोई तकलीफ में है, कोई मजबूर है, सबके लिए हमेशा एंटी हीरोज तैयार रहते हैं। तो इससे पूरी इंडस्ट्री को सीखनी चाहिए, स्पेशली हीरोज़ को। हीरोज़ यहाँ पे हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि हम लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए आप लोगों को। और अभी जी प्रोजेक्ट की बात करें तो कौन सा प्रोजेक्ट में काम करना है फ्यूचर में, कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट सभी एक आने वाली हमारी डमरू जो बड़ी मेरे उम्मीद पे सबसे ज़्यादा खड़ी उतरने वाली फिल्म है, चूँकि एक विलन तो मैं हूँ ही, था भी, विलन में ही मेरी पहचान बनी, लेकिन एक एक्टर के रूप में जब एक विलन, कोई भी एक्टर जब अपने ही इमेज को तोड़ता है तो वो उस वक्त खुशी मिलती है। और मैंने मेरे ही इमेज को विलन्स में कई बार तोड़ा है। एक फिल्म आई थी हमारी मेहंदी लगा के रखना, जहाँ से मैंने ये पाया कि मैं और भी कुछ कर सकता हूँ और बेहतर कर सकता हूँ। तब से मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जगी कि जब भी करूँ डिफरेंट रोल करूँ। उसके बाद मैं सेहरा बांध के आऊँगा, मैं कॉमेडी रोल किया। अभी एक डमरू है जिसमें एक मेहंदी में एक इंसान बना और डमरू में भगवान बना, भगवान और भक्त की कहानी है और बड़ी इंटरटेनिंग कहानी है। खेसारी जी उसमें भक्त हैं हमारे और मैं भगवान हूँ। और एक आम इश्यूज़ जो आज के डेट के इश्यूज़ हैं उसको उस फिल्म में बड़े सलीके से पेश किया गया है, इंटरटेनिंग तरीके से पेश किया गया है, हेल्दी म्यूजिक है। प्रोजेक्ट्स तो बहुत हैं जो बहुत रिलीज होने वाली है फिल्म्स, लेकिन उसमें चंद फिल्में ये हैं जो मेरे दिल के बड़ा करीब हैं। मैं जानता हूँ कि जिस कदर जो चीज़ें आज तक मेरे दिल के बड़ी करीब रही हैं, जो फिल्में मेरे करीब रही हैं, हमारे दर्शक के मन में भी वो अपनी जगह बना पाई है। बस हमारे दर्शक हैं, ये सब देख रहे हैं और ये हमें भी देख रहे हैं, हमारी फिल्मों को भी देख रहे हैं।
थैंक यू। थैंक यू।